हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर गाइस, अनदर वीडियो गाइस। आज एक और रिएक्शन वीडियो है, गौरव कपूर की वीडियो आई है, नहीं जोमेटो रोस्ट। आई नो काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ रही हैं चैनल पे, 4-5 दिन से। आई वॉज काइंड ऑफ बिजी, अभी रेगुलर हो जाएंगी। दो तीन वीडियो करके डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। विद दैट लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। इस वीडियो को देखते हैं। 15 मिनट, 9, 9.5 मिनट की ज़्यादा लंबी नहीं है, और मैं ज़्यादा खींच भी नहीं रहा हूँ इंट्रो को। बस इतना ही है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो ऊपर आई बटन पे कार्ड आ रहा होगा वीडियो का। अगर ये पहले तो ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, पहले तो ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर चैनल चेकआउट करना है तो इधर कार्ड आ जाएगा वीडियो के एंड में, और ऊपर आई बटन पर और वीडियोज़ के कार्ड आ रहे होंगे, वो चेकआउट कर लेना। दैट लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ये टोमाटो, ये पता क्या है ये? ओके, हेडफोन लगा लो, थोड़ी रिकॉर्डिंग में इशू है उसकी, राइट। पता क्या है ये जोमाटो क्या है? क्या है ये? मेरी और जोमाटो की औलाद है। हाँ हमारा बच्चा है, मजाक नहीं कर रहा, इसको रोज नर्चर करता हूँ मैं। हाँ भाई वो अलग लेवल पे चल रहा है यार जोमेटो का। और जोमेटो कैसा है ना, आप भाई सब खाना खा के बैठे होगे, पेट भरा हुआ है आपका, बकायदा पेट भरा, दोपहर को 2:30-3 बजे आप खाना खा के बैठे हो, एकदम रिलैक्स होकर दाल चावल खा लिया, एक झटके से फोन में पुश नोटिफिकेशन आएगा, पुप, सुनो बर्गर खाओगे? और फिर तुम्हें लग रहा है भयानक बर्गर बन रहा है। भाई बर्गर कहाँ पे बन रहा है यार? हाँ भाई तुम्हें मार्केटिंग करनी है, सिंपल मार्केटिंग कर लो ना, ऑर्डर फूड, ऑर्डर दिस, दिस इज द डिस्काउंट राइट नाउ। इनकी मार्केटिंग ऐसी आपकी फट जाए कई बार को, ये आपकी पूरी जिंदगी के अंदर घुस गए हैं। हाँ सर ऐसे ही मैसेज आते हैं, और आज शाम की चाय हो जाए क्या? मेरी लगा मतलब चाय, मैंने मेरा मूड, मेरा उस टाइम चाय का मूड हो रहा था, मैंने भाई मैंने चाय ऑर्डर करी, दूसरी चुस्की मारी, मट्ठी नहीं मंगाओगे क्या? मट्ठी तो बनती है मेरे दोस्त। इनके भाई ऐसे मैसेज आते मेरी फट जाती यार। ये पूरे गर्लफ्रेंड है आप, लड़कों की गर्लफ्रेंड, लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, इतना चेप हो गया आपकी जिंदगी के अंदर। इनका अब एक यही वाला मैसेज आना बचा है, मेले बाबू ने थाना थाया। भाई ये भी आता है, ये भी आता है वैसे। थाया थी नहीं थाया? नहीं बताओ, नहीं थाया, नहीं थाया, ये लो 30% डिस्काउंट, ऑर्डर राइट नाउ, स्विगी मत खोल लेना। इनके ऐसे मैसेज आ रहे हैं यार। और भाई इतने प्यार से कुछ नोटिफिकेशन कोई भेजता नहीं, इतने ऐसे पर्सनलाइज मैसेज करके, है ना, तो आपको भी लगता है ऑर्डर कर दो भाई, क्योंकि भाई साहब इतने प्यार से खाने के लिए कौन पूछता है, है? ये आधी दिल्ली की छोले भटूरे की दुकानों पे चले आओ, ओनर डांट देता है आपको, चाहिए नीचे निकले बाहर में। इतने प्यार से कौन, कभी मम्मी पाप, मम्मी पापा बचपन में पूछते थे ना, एक टाइम के बाद माँ बाप भी नहीं पूछते। और मैं तो भाई इतना खाता था, इतना खाता था, मेरी मम्मी कभी पूछती नहीं थी खाना खाएगा, वो सीधा पूछती थी और कितना खाएगा, कितना खाएगा बता दे। हाँ क्योंकि बनाना उनको होता था ना, रोटी बनाने से पहले ही पूछ लेती थी कि 3 खाएगा 4 खाएगा 5 खाएगा, अभी बता कितनी खाएगा, उतनी बनाऊँ मैं। एक बार मेरे पापा नाराज हो गए, कह रहे अरे खाते टाइम गिनते नहीं है कभी, भाई मेरी मम्मी चिमटा निकल लेके बाहर आ गई, कह रही बिना गिने 8-8 पराठे खा चुका हराम जादा, हमारे बस क्यों तुम मना लो यहाँ पे आके। भाई मैंने उस दिन माँ की ममता को पराठे की धुआं में उड़ते दिखा पाया। इतना गाना गाता था यार जोमेटो जो था ना पहले, इट वॉज इट स्टार्टेड एज अ डाइनिंग रिव्यू ऐप, पता है ना, जब डाइनिंग आप होटल रेस्टोरेंट का रिव्यू करते थे, देन इट गॉट इनटू फूड डिलीवरी, फूड डिलीवरी। और आजकल तो ये लोग प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट मतलब कि ये इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा एक्टिव है। हाँ 1 घंटे में 4-5 पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और यहाँ मुझे रेस्टोरेंट से मैसेज आता है ऑर्डर करते टाइम, रेस्टोरेंट इज टेकिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर योर फूड। ट्विटर पे पोल चल रहा है इनका, इन लोगों ने पोल चलाया हुआ, सो एंजॉयड योर फूड टुडे। मैं कहा भैया आए तो सही पहले, मैं कहा दो बंदे ट्विटर की टीम से निकाल के यहाँ कॉलिंग पे लगा दो ना, जो मेरा खाना डिलीवर करा दे। नहीं सच में भाई उस दिन इन लोगों ने ट्विटर पे पोल चलाया हुआ था, सो व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, और इस देश की जनता इतनी हरामी, उसके नीचे ब्रेकिंग बैड की फोटो लगा दी, कह रहे आज तो आलू मेथी बनेगी। भाई कुछ भी यार, उसे मैं जोमेटो खोला, आलू मेथी यार ऑर्डर करने के लिए एक रेस्टोरेंट खोला सर, उसके आगे आर रेकमेंडेड लिखा होता है आजकल, देखा कुछ डिश के आगे, तो मैंने देखा मशरूम के आगे रेकमेंडेड लिखा था, मैंने ऑर्डर करा, भाई बहुत टेस्टी मशरूम था, अगले दिन मेरा सेम मन हुआ, मैंने दोबारा खाएंगे,
मैंने सेम रेस्टोरेंट खोला उस दिन पनीर के आगे रिकमेंडेड लिखा हुआ था, मशरूम के आगे हट गया था, पनीर पे चला गया था रिकमेंडेड। मैंने रेस्टोरेंट फोन करा, मैंने कहा भैया वो कल मशरूम रिकमेंडेड था, पनीर रिकमेंडेड है। कह रहा भैया वो कल मशरूम बच गया था, आज पनीर बच गया। और जिस हिसाब से चल रहा है कल गोभी रिकमेंडेड होगी भैया। अभी से बता देता हूँ आपको यार, कुछ भी चल रहा है यार। ये राइडर वाइडर के लिए कितना काम करते हैं यार, जोमैटो वोमैटो देखा है आप लोगों ने, इनके राइडर के लिए कैंपेन्स चल रहे हैं, है ना, कैंपेन वगैरह चलाते हैं कि इनकी एजुकेशन फंड करो, ये सब करो। हम लोगों को बोलते हैं इनकी टिप दो, भाई मैं भी राइडर हूँ अपने 15-20 साल अपने घर वालों का। और ये ऑलमोस्ट सभी लोग रहे अपने घर वालों के राइडर। घर पर मिली कभी इतनी इज्जत? कभी हुआ है कि आप पापा के लिए भुजिया लेके आए चखने में और पापा ने ले बेटा 50 रुपये रख ले? कभी नहीं भाई। मेरे को एज अ राइडर कोई इज्जत नहीं मिलती थी, और घर वाले आपको राइडर ऐसे टाइम पे बनाते हैं ना, मम्मी स्पेशली टीनेज में आप जब स्टड बन के मोहल्ले में निकल रहे थे ना शाम को, तब झटके से आवाज आती है अंडे ले आ भाग के। यार अभी तो ब्रिल क्रीम लगाई थी यार, ब्रिल क्रीम लेके भैया अंडा दे दो यार, अंडा देना भैया थोड़ा यार, एक मम्मी ने मंगाया। और ये वाला राइडर तो फिर भी ठीक है भाई, कि मम्मी पैसे देती थी दुकान पे जा बेटा पैसे देके सामान ले आ। भाई मेरी माँ तो मुझे ऐसी ऐसी जगहों भेजती थी ना खाना लाने के लिए, कभी आपको भेजा एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली लेके भंडारे के बाहर? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, जिस दिन मोहल्ले 5 किलोमीटर में जहाँ भी भंडारा लगता था ना, उस दिन बेटा लंच यही है खाना बनता रहा मंदिर में लेकर गया, तो मोहल्ले का स्टर्ट निकलता था ब्रिल क्रीम लगा करके, एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली, भैया जरा डालना आलू, आलू और डाल दो बहुत लोग हैं घर पे, और डाल दो हलवा, ये थैली हलवे के लिए भी, ये लो भैया थैली, थैली भी तैयार है। एक तो ये सिख लोग इतनी मेहनत कर वो करते हैं छबील करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कितना छबील वाला काम होता है भाई, वो किसके लिए होती है जो ट्रैवलर सड़क पे चल रहे हैं धूप में परेशान है, उनके लिए नहीं होती जो मम्मियाँ घर पे ऐसे लेटी पड़ी है, बेटा वो छबील लगी है वो फैंटा की बोतल पड़ी है 2 साल पुरानी, वो लेके चले जाए भाई 2 लीटर की बोतल लेके छबील, उनके पास मग्गे लेके भैया भर रहे धीरे 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 आधी बोतल, अरे हो गया भैया घर पे कितने लोग हैं? मैंने कहा भैया 50 लोग का डालो आप। एक तो ये तो करती थी और साथ में बोलती थी अपना वाला ग्लास पी के आइए वहां से। एक तो ना क्या है जोमैटो पे आपने देखा आजकल वो आ गया क्लाउड किचन, वी ऑल अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड किचन, है ना, ये बात फैली हमारे विकास फिल्म में। हाँ, और विकासपुरी में चाइनीज विस्पर नहीं होती, वहाँ विकासपुरी विस्पर होती है, विकासपुरी विस्पर्स फैले। और मम्मी की तरफ ये जो क्लाउड किचन मतलब किचन से खाना ऑर्डर करो, किचन खोल के बात फैल फैल के मेरी मम्मी के कान तक पहुँची, और उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी किट्टी में निकली कि जो खाना किचन में बच जाए वो जोमैटो पर डाल दो। हाँ सच बता रहा हूँ भाई, उस दिन मैं घर गया अपने थोड़ा विकासपुरी घर गया बैठा हुआ था, मम्मी कह रही सुन मेरी बात, ये खोल अपना कंप्यूटर। मैं क्या हुआ? कह रही भिंडी बच के डाल दे जोमैटो। मैं क्या कह रहे हो? कह रही वो मीना आंटी बचा रही थी घर का खाना बिक रहा है आजकल जोमैटो में, लोग किचन से बना बना के बेच। मैंने कहा मम्मी वो क्लाउड किचन अलग होता है, ये किचन का खाना नहीं बिकता यार, कैसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी। भाई इमोशनल ही हो गई, इमोशनल। कह रही तुम लोग ना माँ को कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे, माँ अपना एक काम शुरू करने की सोचती है तुम वही रुकवा दोगे सबके साथ यार। ये कह रही जब ये जोमैटो मोटो नहीं थे तेरे को, आठ आठ पराठे मैं ही खिलाया करती थी, याद नहीं है तेरे को? कह रही चल ठीक है, भिंडी तो कौन ही खाएगा, ये दोपहर का चिकन बचा ये डाल दो जोमैटो। मैं कहा मम्मी वो चिकन मैंने दोपहर को जोमैटो से मंगाया यार। आप कह रहे हो सेकंड हैंड चिकन जोमैटो में डाल दो क्या यार? मैं रहता हूँ वैसे फरीदाबाद दोस्तों, और मैंने देखा मैं फरीदाबाद दिल्ली मतलब आता जाते रहता हूँ, मैंने देखा यार जोमैटो जब मैं फरीदाबाद में होता हूँ वो अलग तरीके से काम करता है, दिल्ली में अलग तरीके से काम करता है। नोटिस करा आपने ये चीज़ कभी? नहीं, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा का खाना थोड़ा बेटर है दिल्ली से, नहीं मतलब हेल्थ वाइज, स्वाद वाइज तो पता नहीं पर हेल्थ वाइज थोड़ा बेटर है ना, वहाँ के हरियाणा के लोग तगड़े होते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। देखा आपने मतलब उनके खाने में मैंने देखा तो कभी हेल्दी ये सब सामान और रिकमेंडेड में आता रहता है। इनफैक्ट मैंने नीरज चोपड़ा की एड भी देखी थी जिसमें नीरज चोपड़ा बोल रहा था जी दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। नहीं मतलब जहाँ दूध दही का खाना है वो हरियाणा है, दिल्ली में वही चल रहा है, शाम में खाए मोमो विद चटनी चिल्ली यो हमारा दिल्ली। नहीं मैं सच में सोच रहा भाई, मैं सोच रहा हूँ जोमैटो के जरिए अपने शो बेचना शुरू कर दूँ, हैं, क्योंकि सब कुछ उस पर आ ही गया, सब कुछ आ गया ना उसके ऊपर, थोड़ा टाइम में उसके ऊपर तबेले आने वाले। हाँ एकदम रॉ दूध ही ऑर्डर करो तुम और लोग उसको भी रिव्यू कर देंगे, तबेले में भैंसों का रिव्यू चल रहा है, डोंट ऑर्डर मिल्क फ्रॉम लाजवंती, हर मिल्क इज नॉट दैट गुड, आई वुड ऑलवेज प्रेफर शर्मिलास मिल्क,
नहीं, मैं सोच रहा हूँ जोमेटो पे अपने शो बेचना शुरू करूंगा इस तरीके से। जोमेटो आप लोग ऐप पे पुश नोटिफिकेशन शो बेचो इस तरीके से, पूरा जिंदगी में घुस जाओ। क्या कर लोगे घर में दुखी बैठ के? आज और शो पे दो ठाके लगाने। ओके जोमेटो का रोस्ट था या प्रमोशन पता नहीं चला, पर सही था जो भी था। आई गेस ये स्पॉन्सर्ड वीडियो भी हो सकती है। इट इज दैट इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लेना ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। दैट इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे वीडियो आ रही है वो देख लो, और अगर और वीडियो चेकआउट करनी है तो ये रहा चैनल का लिंक, ये देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।